हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी चीज स्प्रे बनाने वाले हैं जो हमारे गार्डन की हर किस्म की प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला है। हमारे गार्डन में बेशुमार किस्म की प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। कभी इंसेक्ट्स का अटैक हो जाता है, कभी एफिड्स का अटैक हो जाता है, कभी आंट्स का अटैक हो जाता है। इतनी सारी छुट्टियां आ जाती है कि हम परेशान हो जाते हैं कि हम क्या करें। या कभी हमारे लीव्स अचानक से खराब होने लग जाते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए जो मेरे प्लांट्स है इसके लीव्स आप देखिए, ये जो आप देख रहे हैं किस तरह से लीव्स ऊपर से कटना शुरू हो गया, इसको कैटरपिलर कहते हैं। या फिर हमारे लीव्स में इस तरह से सुराख होना शुरू हो जाते हैं, या फिर हमारे लीव्स के ऊपर धब्बे आना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि मैं आपको अपना लीव्स दिखाऊं, ये देखिए किस तरह इसके ऊपर धब्बे आ गए हैं। तो बहुत सारी लीव्स की प्रॉब्लम होती है, लीव्स कर्ल्स होना शुरू हो जाते हैं, या हमने जो छोटे छोटे प्लांट्स लगाए होते हैं, सीडलिंग की होती है, जब वो लीव्स ग्रो होते हैं, स्पेशली टोमेटो के लीव्स या और भी वेजिटेबल्स के लीव्स, उसके ऊपर लीव्स माइनर का अटैक हो जाता है, या फिर हमारे लीव्स इस तरह से सूखने लग जाते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम आती है जिनकी वजह हम समझ नहीं पाते कि ये क्या हो गया, अचानक से हमारा खिलता हुआ प्लांट्स किस तरीके से डेड होने की तरफ लग जाता है। तो फ्रेंड्स, हमारे गार्डन में किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो, कोई भी किस्म की प्रॉब्लम, उसका एक ही इलाज है जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। उसको जब हम पाबंदी के साथ अपने गार्डन में स्प्रे करते रहेंगे तो हमारे प्लांट्स बहुत ज्यादा सेफ रहेंगे, बहुत कम चांसेस हो गए उसके ऊपर कोई अटैक हो। और अगर अटैक होता भी है तो हम वो स्प्रे को कंटिन्यू रखेंगे तो हमारे प्लांट्स सदाबहार खुश रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, अच्छे से फ्रूटिंग करते रहेंगे, वेजिटेबल्स लगते रहेंगे, फ्लावरिंग होती रहेंगी। तो आइए मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि इन सारी बीमारियों का इलाज किस तरीके से करना है। फ्रेंड्स, ये है वो दो चीजें जिसकी वजह से हमारे गार्डन में खुशहाली आने वाली है। ये दो चीज़ें बहुत काम की चीज़ है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये दोनों क्या चीज़ें हैं और इसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसके ऊपर, ये है हल्दी टर्मरिक। ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है हमारे प्लांट्स के लिए। इसके अंदर माइनर सा फर्टिलाइजर भी होता है, लेकिन हम इसको फर्टिलाइजर के तौर पे नहीं बल्कि इसको एंटी फंगल के तौर पे यूज़ करते हैं, क्योंकि ये एक नेचुरल एंटी फंगल है जो फंगस को रोकने और लीव्स को हेल्दी बनाने में मदद करती है। और इसके साथ साथ हल्दी पेस्टिसाइड्स का भी काम करती है। छोटे से जो प्रॉब्लम होती है जैसे कि एफिड्स, माइट्स और कैटरपिलर, इसके ऊपर भी काम करती हैं। और इसके साथ साथ जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपके लीव्स के ऊपर कैटरपिलर लग गया, यानी कि कैटरपिलर मतलब कि आपके लीव्स को कीड़ों ने खाना शुरू कर दिया है, उसके लिए भी हल्दी फायदेमंद है। और अगर आपके लीव्स के ऊपर धब्बे लगे हैं या आपके लीव्स में सुराख हो चुके हैं तो उसको भी हल्दी रिकवर करने में मददगार साबित होती है। इस स्प्रे में मैं जो दूसरी चीज मिलाने वाला हूँ, ये जो आप देख रहे हैं ये लाल मिर्च का पाउडर, जो रेड चिली होती है ना उसी का लाल मिर्च का ये पाउडर है। ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है हमारे प्लांट्स में, क्योंकि इसके अंदर एक ऐसी चीज है जो फंगस को रोकती है, फंगल इन्फेक्शन का जो असर होता है उसको कम करती है। इसी लाल मिर्च के कमाल से, क्योंकि ये बहुत ज्यादा तीखी होती है, बहुत ज्यादा ये तेज होती है, तो इसकी वजह से जो हमारे गार्डन में इंसेक्ट्स कीड़े होते हैं वो दूर भागते हैं। और अक्सर हमारे गार्डन्स में प्रॉब्लम होती है कि बहुत ज्यादा चींटियां यानी कि आंट्स अटैक हो जाता है, तो वो उसके लिए आंट्स के लिए बहुत ज्यादा ये फायदेमंद है। तो फ्रेंड्स, ये दोनों ही चीजें बिल्कुल नेचुरल है, नेचुरल काम करती है, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स फंगल इन्फेक्शन का काम करती है। इसके साथ साथ अगर आपकी मिट्टी में दीमक का अटैक हो चुका है या फंगस अंदर घुस चुकी है तो इसका भी हम काम कर सकते हैं। इस कॉम्बिनेशन को लीव्स के ऊपर स्प्रे करने के साथ साथ जब हम इसको सोइल में स्प्रे करेंगे तो सोइल के अंदर का भी फंगल और या दीमक को ये खत्म करेगी। तो अब इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन बनाना है और इनका इस्तेमाल किस तरीके से करना है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। इसके लिए मैंने चीजें ले ली है, 1 लीटर पानी लिया है, स्प्रे बॉटल ली है, ये छन्नी ली है मैंने, और ये प्याला लिया है। इसके अंदर मैं इसको बनाऊंगा, डिसॉल्व करूंगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले हमें पानी लेना है और पानी को इस प्याले के अंदर डालना है, क्योंकि हम इस प्याले के अंदर इस लाल मिर्च को और हल्दी को डिसॉल्व करेंगे, डायरेक्ट इसके अंदर डिसॉल्व नहीं करने वाले, क्योंकि अगर डायरेक्ट इसके अंदर डिसॉल्व करेंगे तो इसकी जो नोजल होती है इसके अंदर इसके जर्रात फंस सकते हैं। 1 लीटर पानी के अंदर 1 टीस्पून लाल मिर्च का इस्तेमाल करना है हमें, और इसके साथ साथ 1 टीस्पून हल्दी का हमें इस्तेमाल करना है। तो फ्रेंड्स, दोनों चीज़ों का 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर डाल दिया है, और अब हमें इसको बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्स करते रहना है। इसको अच्छे तरीके से आप हिलाते रहें जब तक इसके अंदर जो ज़र्रात है, ये आप देखिए आपको इसके अंदर ज़र्रात दिख रहे होंगे, ये ज़र्रात नज़र नहीं आने चाहिए। इसको अच्छे तरीके से आपको डिसॉल्व करना है। एक काम करता हूँ, मैं इसको 5 से 10 मिनट्स तक इस तरीके से हिलाता रहूँगा ताकि बहुत अच्छे तरीके से ये इसके अंदर डिसॉल्व हो जाए। तो फ्रेंड्स, तकरीबन 15 मिनट तक मैंने इसको अच्छे से हिला लिया है। अभी भी थोड़े से ज़रा है लेकिन कोई मसला नहीं, क्योंकि काफ़ी हद तक इसके अंदर ये मिक्स हो चुका है। तो अब ये अच्छे तरीके से रेडी है स्प्रे करने के लिए। अब हम स्प्रे की बोतल लेंगे और छन्नी की मदद से इसको हम अच्छे से
छान लेंगे इसके अंदर, बिल्कुल ऐसा ऐसा डालना ताकि आपका ये लिक्विड ज़ाया ना हो। तो फ्रेंड्स अब हमारा ये स्प्रे की बोतल तैयार है। स्प्रे करने से पहले हमें एक दफ़ा इसको इसके अंदर भी अच्छे से हिला लेना है, बहुत अच्छे तरीके से आपको इसको शेक करना है। तो फ्रेंड्स अब हम इसको स्प्रे करेंगे। सबसे पहले मेरा वो वाला प्लांट जो बिल्कुल सूख रहा है, इसके ऊपर फंगस का अटैक हो चुका है और इसके लीव्स के ऊपर धब्बे भी लग रहे हैं, इसके ऊपर हम अच्छे से स्प्रे कर देंगे। और ध्यान आपको ये रखना है कि लीव्स के आगे और पीछे दोनों की तरफ आपको अच्छे से स्प्रे करना होगा। और अब हमारे वो वाले लीव्स जिसको कैटरपिलर का अटैक हुआ था, ये देखिए किस तरह से लीव्स को ऊपर से काटा है और इसके अंदर सुराख भी है, तो इसको भी हम अच्छे से स्प्रे करना है अपने को। हल्दी होने की वजह से ये कैटरपिलर वाला जो लीव्स है वो और इसके होल, इसका इलाज बहुत अच्छे तरीके से होगा और बहुत जल्द ये रिकवर की तरफ आ जाएगा। इसके साथ ही साथ जिस प्लांट्स के ऊपर आपके धब्बे हैं उसको भी आप अच्छे से इसका स्प्रे कर दें। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स हमारे जो बेबी प्लांट्स है या फिर हमने जो सीडलिंग की हुई है, वो कोने में जो सीडलिंग आपको दिख रही होगी वहां पर, उनके ऊपर भी हम इसको स्प्रे कर देंगे। और उसको दूर से ही करेंगे, करीब से नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपकी बोतल का स्प्रे ज्यादा तेज होगा तो वो लीव्स आपकी जो सीडलिंग है वो डैमेज हो जाएंगे। इसी तरीके से मैं अपने पूरे बालकनी गार्डन में इसका अच्छे से स्प्रे कर दूंगा। और अच्छे से हमको स्प्रे करना है लीव्स के हर तरफ, जहाँ पर धब्बे लगे हैं वहाँ पर भी, और जहाँ पर फंगस अटैक है या पेस्टिसाइड्स है या पेस्ट वगैरह लगे हैं, इंसेक्ट्स वगैरह लगे हैं या आंट्स वगैरह जहाँ हैं, उन सब जगह पे आपको इसको अच्छे से इसके ऊपर स्प्रे कर देना है। और इसके साथ साथ हम इसको अपने इंडोर प्लांट के ऊपर भी स्प्रे कर सकते हैं, ताकि इंडोर प्लांट के ऊपर भी अटैक्स हो जाते हैं इंसेक्ट्स वगैरह के, उसके ऊपर भी, तो इंडोर प्लांट्स को भी अच्छे से आप इसको स्प्रे कर दें ताकि आपके प्लांट्स हर किस्म की बीमारी से सेफ हो जाएंगे। ये बिल्कुल नेचुरल पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड्स है। और अगर हमारे जो गार्डन में इंसेक्ट्स का या फंगस का अटैक हुआ है तो हमें हफ्ते में 2 दफ़ा इसका रेगुलरली इस्तेमाल करना है, तो जल्द से जल्द हमारे प्लांट्स रिकवर हो जाएंगे। और अगर हमारे गार्डन में इतना ज़्यादा अटैक नहीं है, माइनर सा अटैक है, तो हमें क्या करना है कि इसको हफ्ते से 10 दिन में 1 दफ़ा इसको हमें स्प्रे करते रहना है, ताकि हमारे प्लांट्स सेफ रहे और फ्यूचर में भी हमारे प्लांट्स के ऊपर अटैक ना हो सके। इसको स्प्रे कब करना है, या तो हम इसको सुबह के टाइम पे करेंगे या शाम के टाइम करेंगे। दोपहर के टाइम पे हम इसको बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि हीट होती है, सन होता है, जो हमारे लीव्स है उसके ऊपर लीव्स बर्न होने का खतरा होता है। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल नेचुरल है और फ्री का इंसेक्टिसाइड्स हमने बनाया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो, ये तरीका अच्छा लगा होगा। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए।